अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मूवमेंट्स में हमने मूवमेंट्स का कर लिया है फॉर अनग्रुप डेटा के लिए एंड फॉर ग्रुप डेटा के लिए भी हमने फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट मीन कैसे फाइंड करते हैं एंड मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्ररी वैल्यू के लिए हम डिस्कस तो हमने अलग से किया हुआ है, लेकिन उसका क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी हम कर चुके हैं। हमने शेपर्ड्स करेक्शन भी हमने किया था, तो आज इस वीडियो में हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल एंड चार्लियर चेक करेंगे, ठीक है। फॉर चार्लियर चेक हम करेंगे फॉर मूवमेंट्स के लिए। तो देखें, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल जो है वो हम अरिथमेटिक मीन के टॉपिक में भी हम कर चुके हैं, वेरिएंस के टॉपिक में भी हम कर चुके हैं। तो हमें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का हमें पता है कि ये क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है थ्रू विच वी चेंज अवर ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। और हम ये क्यों चेंज करते हैं, ताकि जो कैलकुलेशन होती है हमारी उनको हम थोड़ा इजी करके जो है तो सॉल्व कर सके, यानी जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत लार्ज हो जाए और उनकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाए, तो उन डिफिकल्ट कैलकुलेशन को करने के बजाय आप क्या करते हो, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड यूज करके उन कैलकुलेशन को इजी करते हो, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे फॉर मूवमेंट्स के लिए स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। हमने मूवमेंट्स पढ़ा था फॉर मूवमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन के लिए, कि हमारे पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स माइनस ए होल पावर आर। ये देखिए, एक्स माइनस ए से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे डिविएशन जो है चूंकि किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से ली हुई है, सो ये मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्ररी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये तो मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्ररी वैल्यू का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की बात करें तो आपका फार्मूला जो है वो ये क्या बनेगा, मूवमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन जो है वो शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, यू एच पावर आर 1 डिवाइडेड बाय समीशन एफ यू पावर आर बन जाएगा, समीशन एफ यू पावर आर। अब ये कैसे हमारे पास आया है, तो ये हम अभी प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये देखिए, हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल जब हम अरिथमेटिक मीन के लिए कर रहे थे, तो हमने वहां पे ये फार्मूला पढ़ा था कि यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो अब देखें, यहाँ पे एच को अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे, तो ये मेरे पास बन जाएगा यू एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ये देखिए, एक्स माइनस ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यू एच। यहाँ पे जो चेंज ऑफ ओरिजिन मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला है वो क्या है, वहां पे मेरे पास एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस ए की जगह मैं यू एच लिख देती हूँ। यू एच यहाँ पे मैं लिखूंगी तो होल पावर आर हो जाएगा, यानी एच का पावर भी आर होगा और यू का पावर भी आर होगा। तो एच जो है, एच पावर आर, वो समेशन से बाहर आ जाएगा। एच चूंकि इंटरवल है, कोई वेरिएबल तो नहीं है, सो ये समेशन से हम बाहर साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। एच पावर आर 1 डिवाइडेड बाय समीशन एफ यू पावर आर, ये क्या बन गया, मेरे पास फॉर्मूला आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं क्या करूं, बोथ साइड मीन ले लूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, इस टर्म का क्या बनेगा, यू पे भी बार आ जाएगा, यानी यू का भी मीन और कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट ही होता है, सो एच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। ए भी कॉन्स्टेंट है, सो ए सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं ये शॉर्ट फॉर्म जो है फॉर सेंट्रल मूवमेंट्स के लिए फाइंड करना चाहूँ, तो ये फार्मूला आएगा। तो देखिए, सेंट्रल मूवमेंट्स में हमारे पास फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार, बाकी सेम वही होता है, लेकिन डिविएशन जो है वो आपने मीन से लेनी होगी। तो एक्स माइनस एक्स बार है, वहां पे मेरे पास एक्स माइनस ए था, जिसकी जगह मैंने एक्स माइनस ए की वैल्यू पुट की और मुझे क्या मिला, उसको मैंने फिर प्रूव कर लिया, ठीक है। यहाँ पे x माइनस एक्स बार है, सो x माइनस एक्स बार की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है पहले। तो ये देखिए, x की जगह आप क्या लिखोगे, एच यू प्लस ए। ये कैसे आए, ये देखिए, यहाँ पे a को उस तरफ ले जाए तो ये आपके पास x की वैल्यू बन जाएगी, यू एच प्लस ए आ जाएगा। और x बार के लिए, ये देखिए, x बार के लिए यहाँ पे a को इस साइड पे ले आए, तो x बार इज इक्वल टू यू बार एच प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। और माइनस जो है वो ये वाला माइनस है। तो आपने क्या किया, एक्स और एक्स बार की वैल्यूज यहाँ पे पुट की। अब देखें, यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है।
ये हमारे पास माइनस बन जाएगा। तो ये देखिए माइनस ए प्लस ए, एक नेगेटिव ए एक पॉजिटिव ए है, तो आपस में कैंसिल होके क्या हो जाएगा, एच यू माइनस एच यू बार। तो एच जो है वो दोनों में कॉमन है, सो बाहर निकाल दे, यू माइनस यू बार आ गया आपके पास, एक्स माइनस एक्स बार की जगह आपके पास क्या आ गया, यू माइनस यू बार, एच यू माइनस यू बार। तो आप ये यहाँ पे पुट कर दें, होल पावर आ रहा है, सो एच आर जो है वो बाहर इधर आ जाएगा और यू माइनस यू बार होल पावर आर आ जाएगा। ये आपके पास फॉर सेंट्रल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। नाउ आगे देखें, दिस शोज दैट द अर्थ मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल एक्स आर एच पावर आर टाइम्स द कोरिस्पोंडिंग मूवमेंट्स ऑफ द वेरिएबल यू एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन ए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द मूवमेंट्स आर नॉट इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन बट आर इफेक्टेड बाय अ चेंज ऑफ स्केल। यानी मूवमेंट्स पे चेंज ऑफ ओरिजिन, आप ओरिजिन चेंज कर लो, आप उन मूवमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर आप स्केल चेंज करते हो तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मूवमेंट्स क्या है, चेंज ऑफ स्केल से मूवमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें, चार्लियर चेक। हमने इससे पहले एक शेपर्ड्स करेक्शन किया था और ये है चार्लियर चेक। शेपर्ड्स करेक्शन में हमने इन दोनों का हम कंपैरिजन भी अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास चार्लियर चेक क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि द कंप्यूटेशन ऑफ द मूवमेंट्स डिपेंड अपॉन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बट द कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल टू चेक दीज कंप्यूटेशन दैट इज करेक्टली और इनकरेक्ट वी यूज चार्लियर चेक। यानी जो कैलकुलेशन आप करते हो, ठीक है ना, जो कैलकुलेशन आप करते हो तो उस कैलकुलेशन को देखने के लिए कि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम चार्लियर चेक यूज करते हैं बाय यूजिंग दिस डिफरेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये क्या है कि आप अगर फर्स्ट वो फाइंड करना चाह रहे हो, फर्स्ट रॉ मोमेंट, तो रॉ मोमेंट यानी मोमेंट फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी वैल्यू, तो उसके लिए आप उसकी कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेकेंड के लिए आप ये फॉर्मूला, ये सिर्फ आपको आपकी कैलकुलेशन के बारे में बताएगा कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है या नहीं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के जरिए भी हम करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने शेपर्ड्स करेक्शन पढ़ा था, तो देखिए शेपर्ड्स करेक्शन में हमने क्या कहा था कि वहां पे हमें अगर जो हम मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी वैल्यू मेथड यूज करते हैं तो उसमें चूंकि हम अजम्पशन करते हैं कि वैल्यू अज्यूम्ड करते हैं, सो उसकी वजह से जो जो एरर आ रही होती है हमारे सेंट्रल मूवमेंट पे, जो इफेक्ट पड़ रहा होता है वो इफेक्ट, उस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम शेपर्ड्स करेक्शन यूज करते हैं। यानी वो हमें जो इनकरेक्ट मूवमेंट दे रहे हैं ना, वो बाय यूजिंग मूवमेंट अबाउट आर्बिट्ररी मेथड, सो उससे जो हमें इनकरेक्ट मूवमेंट्स मिल रहे हैं सेंट्रल मूवमेंट्स, उन इनकरेक्ट मूवमेंट्स को करेक्ट करने के लिए हम शेपर्ड्स करेक्शन यूज करते हैं। लेकिन चार्लियर चेक क्या है, ये जस्ट आपको आपकी कैलकुलेशन के बारे में बताएगा कि आपने जो मल्टीप्लीकेशन की है या जो सम वगैरह जितना भी आपके जो भी कैलकुलेशन है वो आपकी करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन के जरिए हम करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि वो कि ये हमें कैसे हमें हमारी कैलकुलेशन के बारे में बताते हैं। हम इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम अपनी कैलकुलेशन को चेक करेंगे कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है या नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी समझ नहीं आई, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।